सो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज ट्रू रिसर्च ऑप्शन है ना, इसका क्या मतलब है, इसका क्या यूज है, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे मैं वो डिटेल आपको बताने वाला हूं, तो आप बने वीडियो के लास्ट तक। अभी हम चलते हैं अपनी मॉल की स्क्रीन पर। तो जैसे दोस्तों हम आ गए अपनी मॉल की स्क्रीन पर। अब मॉल की स्क्रीन पर आने बाद यहाँ पर आपको ओपन करना है वाईटी स्टूडियो। अब वाईटी स्टूडियो ओपन करने बाद आपको जाना है एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर। अब ऑप्शन पे आपको आने बाद यहाँ पर आपको रिसर्च वाले ऑप्शन में करना है क्लिक। अब क्लिक करने में यहाँ पर जैसे जो हमारा रिसर्च ऑप्शन है यहाँ पे दिया है ना, ये हमारे वीडियो टॉपिक ढूंढने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। जैसे कि आपको आज वीडियो बनानी है, आपको समय में नहीं आ रहा किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो आप इस रिसर्च वाले ऑप्शन में आकर यहाँ पे देख सकते हैं। हमें बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, तो इन टॉपिक पर आप वीडियो बना सकते हैं। जैसे ये वाला टॉपिक है, ये टॉपिक है, इन टॉपिक पर आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप सर्च में, टॉप सर्च में क्या है, ज्ञान सर फिजिक्स ज्यादा टॉप सर्च है, डिजिटल क्रिएटर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्च करे जा रहे हैं ये वाले कीवर्ड। तो यहाँ पे जैसे गेमिंग चैनल कीवर्ड फॉर यूट्यूब, तो आप इन कीवर्ड पर वीडियो बना सकते हैं इजीली आप। और मैं आपको दिखाता हूँ, आप और नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेंट वीडियो आपको ऑप्शन है, टॉप सर्च में दोबारा से मिल जाता है, रिसेंट वीडियो आपको दोबारा से मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो आइडियाज मिल जाते हैं, यहाँ से आप आइडिया लेकर अपनी वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक ये फायदा मिल जाता है। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको एक टॉपिक पर वीडियो बनानी है ना, सर यहाँ पे आपको रिसर्च वाला ऑप्शन में करना है क्लिक। जैसे कि मुझे एक टॉपिक वीडियो बनाने का, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब चैनल। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं लिख लिया है यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। अब इसको मैं सर्च टर्म पे करता हूँ क्लिक। अब इस पर क्लिक करने वाले यहाँ पे सर्च और यूट्यूब पे आपको करना है क्लिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कीवर्ड जी सर्च कर जा रहे हैं यूट्यूब पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हाई वॉल्यूम, यहाँ पे जैसे हाई वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको आप यहाँ पे सेव भी, यहाँ पे हार्ड वाले आइकन पे क्लिक करके इसको सेव भी कर सकते हैं। तो आप इन टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं, है ना, और इन्हीं की हेल्प से आप अपनी वीडियो भी वायरल कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ले लूँगा स्क्रीनशॉट, यहाँ से ले लूँगा स्क्रीनशॉट। लेने के बाद जिसकी टैग है उनको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने इन्हीं टैग को मैं अपने टाइटल में भी यूज़ कर सकता हूँ, और अपने डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ कर सकता हूँ, और अपने वीडियो के टैग में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं हमारी वीडियो के सर्चिंग में जाने के। तो जितने भी टॉपिक है ना, तो आप इन टॉपिक वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल फॉर बिगनर, इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो आप इस टॉपिक वीडियो बना सकते हैं। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इस वाले टॉपिक आप वीडियो बनाए तो काफ़ी ज़्यादा वायरल होने वाली है आपकी वीडियो। अगर आप यहाँ पर किसी भी टॉपिक, जैसे इस वाले टॉपिक में कोई वीडियो बनानी है, तो इसमें मैं करता हूँ क्लिक। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज दिखाई, यहाँ पर देख सकते हैं जब आपको तीन चार वीडियो दिख जाएंगी, तो आप इनको क्लिक करके दे सकते हैं वीडियो। तो इसी हिसाब से आप अपनी वीडियो तैयार कर सकते हैं, आप बिल्कुल कॉपी नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ऐसा आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, और ऐसे आप यहाँ से अपनी वीडियो को यहाँ पे टाइटल ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं अपनी वीडियो को कॉपी करने। जैसे मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेता हूँ। इनको आपको कॉपी कैसे करना है, स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेने के बाद इसको हम कर लेते हैं बैक। अब बैक करने वाले यहाँ पर इस वाली एप्लीकेशन पर आपको आया, ये एप्लीकेशन है ये हमारी कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीनशॉट, इसको हम कर लेते हैं ओपन। अब ओपन करने वाले आपको जाना है गैलरी वाले ऑप्शन पर। जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है ना, इसको हम यहाँ से हम कर लेंगे सेलेक्ट, इसको कर देंगे ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे हम, इसको कर देंगे ऊपर से ओके। अब ओके करने वाले हमारे यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं, इसको हम सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके सेलेक्ट ऑल कर ले, इसको हम कर लेंगे कॉपी, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। अब इन्हीं कीवर्ड को आप अपने मतलब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना है योर क्वेश्चन लिख के, और योर क्वेश्चन लिख के उसके नीचे आपको ये वाला कीवर्ड पेस्ट कर देने, और ये कीवर्ड आपको मतलब कॉमा लगा लगा के अपने वीडियो के टैग में लगा देने, तो ऐसा आपकी वीडियो सर्चिंग में ज्यादा से ज्यादा जाएगी। तो ऐसा आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और भी क्या तरीके मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको जितनी भी यहाँ पे आपको वीडियो देखेंगे ना, वो आपके मतलब कैटेगरी से रिलेटिव होंगी या कैटेगरी से थोड़ी अटके होंगी, तो ऐसा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। और हम यहाँ पे आप सर्च करने वाले हैं दोबारा से, अब हम किसी दूसरे कीवर्ड को यहाँ पे सर्च करने वाले हैं कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं। तो यहाँ पे मैं लिख लिया यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, सर्च टर्म पे करता हूँ क्लिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको करना है क्लिक। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च ऑन यूट्यूब पे करना है क्लिक। अब क्लिक करने यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कीवर्ड आ चुके हैं, तो इन कीवर्ड पर आप अपनी वीडियो भी बना सकते हैं, और इनका स्क्रीनशॉट लेकर इन कीवर्ड को आप अपने मतलब डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हैं, और अपनी वीडियो के टैग में भी लगा सकते हैं, और इनको आप अपना टाइटल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मीडियम वॉल्यूम दिखा रहा है, इसमें लो वॉल्यूम दिखा रहा है, इसमें मीडियम दिखा रहा है, इसमें लो दिखा रहा है। तो ऐसे आप रिसर्च टूल का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मुझको तो काफ़ी अच्छा लगा ये टूल, और आपको ये अच्छा लगा तो आप वीडियो कर दें लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर लिखने प्रेस। तो आपके सामने एक वीडियो दिख रही होगी वाइट स्टूडियो में से अपनी वीडियो को कैसे एनालाइज करें, तो आप इस वाली वीडियो यहाँ पे चेक कर सकते हैं और अपनी वीडियो को एनालाइज करके अपनी वीडियो को वीडियो व्यू गेन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।